जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक रेक्टेंगल वन, ठीक है। ये मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, जो टेक्सचुअल फॉर्म में ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ टेक्स्ट में, ये मैं आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लाइन वन विच इज रेक्टेंगल रेक वन इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 5 7, मेमोरी में जाके बैक एंड पे रेक वन के नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू क्या कर देगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्योंकि विड्थ है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 5, एंड सेकेंड जो हमारे पास है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज इज इक्वल टू 7। इसी तरह रेक टू एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी में रेक टू, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू क्या कर देगा हमारे पास 2, एंड हाइट की वैल्यू कर देगा 4। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया रेक वन जिसमें 2 वैल्यूज पास हुई, एक ऑब्जेक्ट बन गया रेक टू जिसमें अगेन विड्थ और हाइट के लिए 2 वैल्यू सेट हुई, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन वेरिएबल इन लोकल ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा रेक्टेंगल, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू इन दोनों का सम है। अब दोनों का सम किसका है, रेक वन और रेक टू, जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये 2 ऑब्जेक्ट को जब मैं ऐड करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बना रेक 3 इज इक्वल टू रेक 1 प्लस रेक, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर यहाँ ऑब्जेक्ट यूज किए हैं उन ऑब्जेक्ट का क्या करना है, रेक वन और रेक टू इस प्लस के साथ यूज करना है। तो ये फॉरन कहाँ चला जाएगा, ये फॉरन मेरी क्लास डेफिनेशन में चला जाएगा, जिसमें इसने ओवरलोड किया है इस ऑपरेटर प्लस। ठीक है, ये जैसे इसको मिला तो ये बिल्कुल वैसी कॉल हो जाएगा जैसे मेथड कॉल होता है। ठीक है, सो ये प्लस को कॉल कैसे करेगा, एज अ मेथड ये प्लस, और ये प्लस 2 आर्ग्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये प्लस जो ऑपरेटर जिसको हमने ओवरलोड किया है, ये क्या कर रहा है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स को इनपुट ले रहा है। तो वो 2 ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिसके साथ हमने इनको कॉल किया है, रेक वन ऑब्जेक्ट वन। तो ये रेक वन क्या है, ये है ये जो ऑब्जेक्ट वन है जिसकी वैल्यू 5 और 7 है, विड्थ के लिए 5 और 7 के लिए हाइट। तो ये ऑब्जेक्ट वन क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है प्लस का ऑपरेटर, जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, सुनिए नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। जी आवाज आ रही है बेटा सही से, ओके ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जो प्लस का मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्टेंगल रेक 3, और मैं उसको क्या कह रही हूँ, मैं उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से सेट करवाने के बजाय मैं कह रही हूँ कि ये जो मैं ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट दे चुकी हूँ रेक 1 और आर रेक 2, उन दोनों को ऐड करके थर्ड ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, सो ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं इसको एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल की एक क्लास बनाई जिसमें हमने 2 एट्रीब्यूट डिफाइन किए, विड्थ एंड हाइट, जिसको हमने डबल रखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके थ्रू मैं W और H की वैल्यू इन जो लोकल वेरिएबल्स के थ्रू है विड्थ और हाइट की वैल्यू सेट कर रही हूँ, जो कि आज से पहले हम काम करते आए हैं, कोई नई चीज़ यहाँ तक हमने नहीं की। सिंपल रेक्टेंगल की क्लास बनाई, 2 एट्रीब्यूट डिफाइन किए और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया जो इन वैल्यूज को सेट करवा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा जो नया काम है वो स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने यहाँ से किया है वो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया कि यूजली प्लस को हम कैसे यूज करते हैं, हम प्लस को यूज करते हैं 2 नंबर्स को ऐड करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब मैं प्लस को यूज कर रही हूँ 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाने के लिए। तो जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कोई एक वैल्यू नहीं है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो 3 एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस। तो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड कर रहा है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ 10 + 20 तो 10 इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट एक वैल्यू है। अगर मैं कहूँ 20 - 20 एक कंक्रीट एक वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 एंड a प्लस b, तो 10 + 20 30, ये तो सिंपल है।
दो नंबर्स को ऐड कर दिया, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा रही हूँ और मुझे पता है कि हर ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल डेटा हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ कि रेक्टेंगल है तो उसमें उसकी विड्थ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रही हूँ तो उसमें ए बी सी बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी यही तीनों चीज तीनों वैल्यूज होंगी। तो वन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज इन इटसेल्फ, ऐसे ही होता है ना, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही पढ़ते आए कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट STD1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसमें मैंने तीन वैल्यूज पास कर दी, उसका नेम, उसका डिग्री प्रोग्राम, उसकी CGPA है। तो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, ऐसे ही है। सो व्हाट इफ के मैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाऊंगी तो डेफिनेटली दो नंबर्स को ऐड करने की टेक्निक और दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होगी, ऐसे ही होगा ना। मैं अगर कहूँ 10+20 करें तो वो तो सिंपल ही हो जाएगा, एडिशन है 10+20=30, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट टू से ऐड करें तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के कंटेंट्स क्या हैं जिनको हम ऐड करें। ऑब्जेक्ट वन के सेम कंटेंट ऑब्जेक्ट टू के सेम कंटेंट से ऐड होंगे, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी CGPA और उनका ग्रेड है, आप उन दोनों को कंपेयर करके बताएं कि उन दोनों स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा ग्रेड और CGPA किसकी है, तो आप कैसे करेंगे? एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे ये बताएं कि उन दोनों स्टूडेंट में से ज्यादा ग्रेड किसका है, तो आप कैसे इसको थ्रू जो है थोड़ा सोचें कि इसकी क्या लॉजिक हो सकती है। मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे ये बताएं कि उन दोनों स्टूडेंट में से ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन सा है, तो आप कैसे बता सकते हैं मुझे? कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे? स्टूडेंट वन के ग्रेड को स्टूडेंट टू के ग्रेड से कंपेयर करेंगे, ऐसी करेंगे ना, जिसका ग्रेड ज्यादा होगा आप बता देंगे कि इसका ग्रेड ज्यादा है। तो वो जो कंपैरिजन करने का कोड है, इट मींस कि दो नंबर्स को कंपेयर करना और दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 50 और 100 में से कौन सा बड़ा है, तो आप फौरन बता सकते हैं कि 100 बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे दो स्टूडेंट में से जिसकी ज्यादा CGPA मुझे ये बताएं, तो आप मुझे सबसे पहले क्या कहेंगे कि उन दोनों स्टूडेंट्स की पहले CGPA और ग्रेड बताएं ताकि हम कंपेयर करके बता सकें, ऐसे ही होगा। इट मींस दो सिंपल नंबर्स को ऐड करना और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना डिफरेंट टास्क है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली जाके कोड बताना पड़ता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा रहे हैं या हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोड खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर क्यों रहे होते हैं? अगर ये समझ आ गया तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि करेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाने हैं, ठीक है। सो अब उन दो ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। अगर पांच एट्रीब्यूट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट जिनको मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ उनके पांच एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट वन के फर्स्ट एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट टू के फर्स्ट एट्रीब्यूट से ऐड करवाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वन के सेकेंड एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट टू के सेकेंड एट्रीब्यूट से ऐड करवाएगा, ऑब्जेक्ट वन के थर्ड एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट टू के थर्ड एट्रीब्यूट से ऐड करवाएगा। तभी एडिशन तो इसी तरीके से होती है ना, पैरेलल। तो मेरे पास यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दो ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल टाइप के हैं, यानी कि हर ऑब्जेक्ट्स में दो एट्रीब्यूट होंगे, हाइट और विड्थ। हर रेक्टेंगल में दो ही एट्रीब्यूट होते हैं, रेक्टेंगल की विड्थ और रेक्टेंगल की हाइट, ठीक है। तो जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि मुझे दो रेक्टेंगल्स को ऐड करवाना है, तो वो दो रेक्टेंगल्स को हम ऐड कैसे करवाएंगे? रेक्टेंगल जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी विड्थ सेकंड रेक्टेंगल के विड्थ से ऐड होगी और फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट सेकंड रेक्टेंगल की हाइट से ऐड होगी, तभी एक थर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट, एक नए रेक्टेंगल की वैल्यू आ जाएगी विड्थ और हाइट के लिए।
तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक वन का, जिसके लिए विड्थ और हाइट की वैल्यू सेट करवा दी। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया रेक टू, जिसके लिए विड्थ और हाइट की वैल्यू सेट करवा दी, जो बिल्कुल दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक के लिए विड्थ की वैल्यू 5 है और हाइट की वैल्यू 7 है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए विड्थ की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू 4 है। तो ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बन गए जो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब मैं एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ रेक 3। मैं कह रही हूँ रेक 3 को वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो दो ऑलरेडी मैंने पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन किए उन दोनों को सम करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दो। और कैसे बनाना है, रेक 1 प्लस रेक 2। अब ये जो प्लस है ये दो नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा, ये दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की अपनी डिफरेंट वैल्यूज हैं। रेक 1 में भी विड्थ है और हाइट है, रेक 2 में भी विड्थ और हाइट है, तो ये डायरेक्ट हम प्लस के सिंबल के साथ हमें कुछ ना कुछ मीनिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी, डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी। अब वो मैंने डेफिनेशन किस तरीके से दी है, डेफिनेशन हम हमेशा क्लास में देते हैं। जब भी कोई ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो मैंडेटरी है कि पब्लिक और स्टैटिक का कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक एंड स्टैटिक के एक्सेस मॉडिफायर यूज किए, और क्योंकि प्लस का ऑपरेटर जब दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को ऐड करके जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक थर्ड ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किया है जो कि नेम है क्लास का, जो कि ये बता रहे हैं कि ये प्लस का ऑपरेटर एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जब हम बूलियन ऑपरेटर्स की तरफ जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं आएगा, यहाँ पे बूल आएगा, क्योंकि वो ऑपरेटर बूलियन रिजल्ट दे रहा होगा एदर ट्रू एदर फॉल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखी है, रेक्टेंगल, कि ये ऑपरेटर प्लस जब दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को एड करेगा तो जाहिर सी बात है एक थर्ड ऑब्जेक्ट में रखेगा, तो इसीलिए हमने रिटर्न टाइप रेक्टेंगल रखी है, यानी कि ये प्लस का ऑपरेटर रिटर्न करेगा रेक्टेंगल की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ऑपरेटर का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, ये सिंटेक्स है जब आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करें, और फिर वो उस ऑपरेटर का सिंबल, जैसे प्लस को करना है तो प्लस, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स कि ये प्लस का ऑपरेटर क्या आर्ग्यूमेंट इनपुट लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा रेक्टेंगल R1 रेक्टेंगल R2, मींस कि ये प्लस का ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा और वो दो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल की क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। तो देखें ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यही काम किया, ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये दो ऑब्जेक्ट्स इनपुट ले रहा है। कैसे पता चला, रेक 1 एक ऑब्जेक्ट है, रेक 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, न्यू के कीवर्ड के साथ हमने यूज किया। सो ये जो रेक 1 है ये वहां के लोकल वेरिएबल R में स्टोर हो जाएगा R1, और ये जो रेक 2 है वो वहां के दूसरे वेरिएबल, ये जो लोकल वेरिएबल है R2 में स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना रही हूँ रेक 1, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू मेरे पास है 5, ठीक है, ये मेरे पास रेक 1 है जिसके लिए विड्थ की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 और हाइट की वैल्यू है मेरे पास 7। सिमिलरली मेरे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है रेक 2, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू है मेरे पास 2 एंड हाइट की वैल्यू है मेरे पास 4, ठीक है। अब मैंने रेक 1 और रेक 2 को प्लस के साथ कॉल करवा दिया, यानी कि अब ये प्लस लाइक अ मेथड काम करेगा, मेथड काम करेगा प्लस, और इसके दोनों साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो मेरा कंपाइलर फौरन समझ जाएगा कि ये ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस है जो दो ऑब्जेक्ट्स को इनपुट ले रहा है। तो फिर ये क्या करेगा, ये रेक 1 में जाएगा, ठीक है। अब हम इसने क्या किया, रेक 1 को यहाँ पे पास कर दिया और रेक 2 को यहाँ पे पास कर दिया। ऐसे ही हम करते हैं ना मेथड में भी, जब कोई चीज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं तो वहां से जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ के लोकल वेरिएबल में सेट होती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जो लोकल वेरिएबल है R1, ये क्या कर रहा है, ये लोकल वेरिएबल रेफर कर रहा है इस मेमोरी के रेक 1 को, ठीक है। और फिर हमारे पास जो दूसरा लोकल वेरिएबल है जो R2, जो ये वाला R2 है, ये क्या कर रहा है,
ये रेफर कर रहा है मेमोरी के वेरिएबल जो हमारे पास रेक टू में रखा हुआ वेरिएबल है इसको, ठीक है। वो जो दो रेक वन प्लस रेक टू, तो जो रेक वन की वैल्यू है वो आर वन में आ गई, यानी कि आर वन इज रेफरिंग टू रेक वन, और जो सेकंड वाला था सीक्वेंस में रेक टू जो प्लस के साथ यूज हो रहा था वो आर टू में यूज हो, यानी कि आर टू अब किसको रेफर कर रहा है, रेक टू, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको ये कहा कि आप एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, नया ऑब्जेक्ट मीन्स नए ऑब्जेक्ट के लिए मीन्स विड्थ और हाइट की वैल्यू, कॉमे से पहले वाली जो एट्रीब्यूट है वो विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमे की बाद वाली जो वैल्यू है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास हुआ है आर वन जो कि रेक वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कैसे कैलकुलेशन करो, आर वन डॉट विड्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट वन जो रेक्टेंगल वन है उसकी विड्थ उठाओ, उसको एड कर दो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की विड्थ से। जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट वन का एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट टू के एक्स कोऑर्डिनेट से ऐड होगा, तो ये रेक्टेंगल वन का विड्थ रेक्टेंगल टू के विड्थ से कैलकुलेट होगा, सम होगा। सो आर वन डॉट विड्थ, तो आर वन किसको रेफर कर रहा है, रेक वन, ये किसकी विड्थ उठाएगा, फाइव को, फाइव प्लस आर टू डॉट विड्थ, आर टू देखेगा मेमोरी में किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेक टू को जिसकी विड्थ है टू, तो ये क्या कर देगा, फाइव प्लस टू सेवन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या विड्थ आ जाएगी, मेरे पास जो नया रेक्टेंगल है जो नया ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू विड्थ की वैल्यू आ जाएगी सेवन, कॉमा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आर वन डॉट हाइट, आर वन किसको रेफर कर रहा है, रेक वन, रेक वन की हाइट उठाएगा सेवन, प्लस क्या कर देगा, आर टू डॉट हाइट, आर टू किसको ये रेफर कर रहा है, रेक टू को, रेक टू की हाइट हाइट मेमोरी में क्या है, फोर, सेवन प्लस फोर विच इज इलेवन, ठीक है। सो ये जो हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा, सेवन कॉमा इलेवन, विड्थ की वैल्यू सेवन, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके लिए विड्थ की वैल्यू सेवन और हाइट की वैल्यू इलेवन हो गई, तो जब ये वापस जाएगा अपने साथ ये दो वैल्यूज लेकर जाएगा सेवन और इलेवन। अब जब ये वैल्यूज कहाँ वापस कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, यहां से, तो जब ये वापस जाएगा अपने साथ दो वैल्यूज लेकर जाएगा सेवन एंड इलेवन, वेयर एज सेवन जो है वो विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेवन हाइट को, तो ये सेवन और इलेवन किसकी वैल्यू बन जाएंगी, रेक थ्री। तो अब ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा जिसका नाम होगा रेक थ्री, और रेक थ्री की विड्थ क्या हो जाएगी, जो ये वैल्यू रिटर्न करके लाया है विड्थ की विच इज सेवन, और रेक थ्री की हाइट क्या हो जाएगी, 11, जो ये हाइट की उन्होंने उन दोनों ऑब्जेक्ट R1 और R2 की हाइट को ऐड किया था, हाइट थी ना 7 प्लस 4, R1 की हाइट, R2 की हाइट, R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक 1 को, और R2 किसको कर रहा है, रेक 2 को, तो 7 प्लस 4 हाइट वाला एट्रीब्यूट उठाया 11, ये नए ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू बन गई। इसी तरह रेक 3 इसने क्या उठाया, R1 यानी कि रेक 1 की विड्थ को किससे ऐड करो, रेक 2 की विड्थ से, तो 5 प्लस 2 7, तो जो नया ऑब्जेक्ट आया है वो प्रीवियस दो ऑब्जेक्ट्स की विड्थ से विड्थ को ऐड कर रहा है, हाइट से हाइट को ऐड करके एक नए ऑब्जेक्ट पे वैल्यू स्टोर करवा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा रही हूँ तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन किस तरीके से प्रिंट करवा रही हूँ, हम प्रिंट करवा देते हैं रेक वन डॉट विड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल वन की विड्थ प्रिंट हो, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो, प्लस एक स्पेस दे दो, प्लस रेक वन डॉट हाइट, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट वन के लिए प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली यही स्टेटमेंट मैं किसके लिए करूंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट करवा देते हैं विच इज रेक टू डॉट विड्थ एंड रेक टू डॉट हाइट। फिर यही काम जो थर्ड ऑब्जेक्ट है जो रेक थ्री जो क्या कर रहा है, ऑलरेडी रेक वन और रेक टू की वैल्यूज को ऐड करके ला रहा है, उसको हम प्रिंट कर देते हैं रेक थ्री डॉट डॉट विड्थ एंड रेक थ्री डॉट हाइट, इसको रन करवा देते हैं,
जी क्लास आ गया रिजल्ट। रेक्टेंगल वन के विड्थ 5, रेक्टेंगल वन की हाइट 7, रेक्टेंगल टू की जो हमारे पास विड्थ है 2, रेक्टेंगल टू की हाइट 4, और रेक्टेंगल थ्री जो कि नया ऑब्जेक्ट है, वो नया ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑलरेडी रेक वन और रेक टू की वैल्यूज को ऐड कर रहा है, यानी कि रेक वन की विड्थ को रेक टू के विड्थ से ऐड कर रहा है और रेक टू की हाइट को रेक टू की हाइट से ऐड कर रहा है। सो विड्थ जब विड्थ से ऐड हुई तो 5 + 2 = 7, और हाइट जब हाइट से ऐड हुई तो 7 + 4 = 11। तो ये हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और ओवरलोड करना चाहूं ऑपरेटर, ठीक है, ये मेरे पास प्लस है, मैं किसको ओवरलोड करना चाह रही हूँ, माइनस को। ठीक है, सेम यही टास्क रहेगा, सब चीजें सही रहेंगी, जहां पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी में जहाँ प्लस करवा रहे हैं यहाँ हम करवा देंगे माइनस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया माइनस। ये क्या करेगा, जहां पे हम माइनस यूज करेंगे उन दो वैल्यूज को माइनस करवा देगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगल आर 4 इज इक्वल टू रेक 1 माइनस रेक 2, यानी कि रेक्टेंगल 1 की वैल्यू से रेक्टेंगल 2 को माइनस कर दो, तो ये 5 में से 2 को माइनस करेगा, 7 में से 4 को माइनस करेगा। ठीक है, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं, जब 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 7 में से 4 माइनस होगा तो भी 3 ही बचेगा। तो दोनों की जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास विच इज आर 4, उसके लिए हमारे पास दोनों की क्या वैल्यूज आएंगी, 3 और 3। मैं इसको कर देती हूँ रेक 2 डॉट विड्थ एंड रेक 4 डॉट हाइट, इसको रन कर देते हैं। सॉरी, ये आर 4 है हमारे पास, मैंने इसको आर 4 किया, R4.width and R4.height, ठीक है, 3 और 3। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंपल यही कोड रखें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको आप करते हैं माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन, और जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसको आप करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एंड यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्या करेगा, विड्थ ऑब्जेक्ट 1 की विड्थ को ऑब्जेक्ट 2 की विड्थ से मल्टीप्लाई करेगा, और ऑब्जेक्ट 1 की हाइट को ऑब्जेक्ट 2 की हाइट से मल्टीप्लाई करेगा, लाइक 5 × 2 = 10 एंड 7 × 4 = 28। ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आर 5 इज इक्वल टू रेक 1 मल्टीप्लाई बाय रेक 2, यानी कि ये जो ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये वर्क कर रहे हैं हमारे पास लाइक अ मेथड। ठीक है, R5 है, सो R5.width एंड R5.height, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, 5 × 2 = 10, 7 × 4 = 28। आप डिवीजन करना चाहें, आप कोई भी ऑपरेटर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर मींस वो ऑपरेटर जिनको दो आर्गुमेंट, दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होगी, जब मैं किसी ऑपरेटर के साथ दो ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट दूं। ठीक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के ट्राई करें, वो ज्यादा बेटर होगा, ना कि मेरे कॉपी पेस्टेड किए हुए उस पर करेंगे तो वो आपको तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर समझ समझ के जब आप कोट करके प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा।
ओके क्लास, ये तो हमारे पास होगा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है टू, ऐसे ऑपरेटर्स जिसको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए हो, ठीक है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। यूनरी ऑपरेटर कौन से होंगे? यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होंगे जिनको वर्क करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, जिस वो ऑपरेटर जिसको वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। प्लस क्योंकि इसको वर्क करने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम इस प्लस की बात करें तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, बी और सी। होगा क्या, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, दोनों प्लस सेम है, तो पहले ए को बी से प्लस करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी से ऐड करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको ये नहीं कह रहे कि ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर ही है। ये प्लस, इस प्लस को वर्क करने के लिए एट अ टाइम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी तरह मैं इस प्लस की बात करूं तो इसको भी वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स, दो ऑब्जेक्ट गिवन है, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम यूनरी ऑपरेटर्स की बात करें, सो यूनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होंगे जिनको वर्क करने के लिए, ये प्लस था, ये माइनस था। Then we have concept of unary operators. ठीक है, unary operator takes single parameter. Let's suppose we have a class point, public int x, public int y. ये एक ही object पे काम करेगा, ठीक है। ये वही point वाली class है जो पहले ही use हुई थी, उसमें हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और जो हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया उसको कैसे किया है, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर माइनस, और ये ऑपरेटर एक ही आर्गुमेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेगा इनपुट। तो इट्स अप टू यू एज अ डेवलपर, अगर आप दो ऑब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम प्लस करवाना चाह रहे हैं तो यूजली दो ऑब्जेक्ट ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाए यानी कि माइनस के साथ, तो क्या होगा, उसके लिए तो एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, दो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होंगे। सो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप उसके लिए यूनरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर लगेगा, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, उसको मैंने इसलिए नेम पॉइंट रखा, और फिर मैंने ऑपरेटर माइनस कर दिया, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक ही ऑब्जेक्ट दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट लेगा ये माइनस का ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न न्यू पॉइंट, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, वो न्यू ऑब्जेक्ट क्या करे, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पास किया है p, उसके x को माइनस p कर दो और y को भी माइनस कर दो, यानी कि ये माइनस क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं इसको पास करूंगी ये उसको क्या करेगा, ये उसको नेगेटिव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट a इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, जिसमें x और y के दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक x और एक y, और मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया c, c इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ये ऑपरेटर है माइनस, जो कि वर्क करने के लिए जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए a, ये क्या करेगा, वन और टू को यहाँ पास करेगा, रिटर्न क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट जिसकी x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, माइनस x यानी कि x की वैल्यू वन है, माइनस वन, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस y, y की वैल्यू टू, इट विल रिटर्न माइनस टू, माइनस वन माइनस टू रिटर्न हो जाएगा इस नए ऑब्जेक्ट c में। तो मैं जब कंसोल डॉट राइट लाइन करूंगी इट विल प्रिंट c डॉट x, c डॉट y, तो जो नया ऑब्जेक्ट है उसकी x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू माइनस टू, ठीक है। ये यहाँ पे एक यूनरी ऑपरेटर है, मैं आपको एक यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जो स्लाइड में यूज हुआ है वो तो स्लाइड में आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखा देती हूँ, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, रिटर्न कोई पॉइंट होगा, ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर कौन सा हम कर देते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। और इसको वर्क करने के लिए हम कह रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए पॉइंट, क्योंकि प्लस वन प्लस प्लस जो है वो एक पे ही काम कर रहा होता है। हम इसको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रिटर्न न्यू, सॉरी हमारी क्लास रेक्टेंगल है तो यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रेक्टेंगल आर टू,
या सिंपल हम इसको कर देते हैं रेक्ट, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, रिटर्न करो, यहाँ पे क्या रिटर्न करो, न्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करो और उसमें क्या करो, जो हमने ऊपर वाला रेक्ट दिया है, रेक्ट डॉट विड्थ प्लस वन, प्लस प्लस यही कर रहा होता है ना, वन का इंक्रीमेंट कर रहा होता है। और क्या करो, जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, रेक्ट डॉट हाइट प्लस वन, यानी कि जो वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी विड्थ में भी वन ऐड कर दो और उसकी हाइट में भी वन ऐड कर दो। ये हमारे पास ऑपरेटर हो गया प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस प्लस प्लस को ये सब मैं हटा रही हूँ, ठीक है, प्लस वाला रहने दे रही हूँ, बाकी सब हटा रही हूँ, प्लस वाला भी हटा दिया। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया रेक थ्री और उसको मैं क्या कह रही हूँ, रेक वन प्लस प्लस, यानी कि ये जो रेक वन वाला मेरा ऑब्जेक्ट है इसको प्लस प्लस कर दो। तो अब ये प्लस प्लस क्या करेगा, ये मैं वहां जाएगा मेरी क्लास में और इस क्लास की डेफिनेशन में जाके रेक वन की विड्थ, ये देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास रेक थ्री डॉट विड्थ और मैं प्रिंट करवा देती हूँ रेक टू डॉट। ये जो नया ऑब्जेक्ट है जो कि रेक वन में प्लस प्लस कर रहा है, ये रेक वन में प्लस प्लस क्या कर रहा है, जो विड्थ की वैल्यू है उसमें वन का इंक्रीमेंट कर देगा और जो हाइट की वैल्यू है उसमें भी वन का इंक्रीमेंट कर देगा। उसमें नया ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सिक्स और एट। रेक्टेंगल आर थ्री रेक थ्री इज इक्वल टू रेक वन प्लस प्लस रेक थ्री डॉट विड्थ रेक थ्री डॉट हाइट। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कंट्रोल बी, इसको दोबारा करते हैं, अच्छा, और अगर मैं इसको प्लस प्लस रेक वन करती हूँ, आपने ये देखा पोस्ट और प्री का डिफरेंस, ये मेरे पास क्या है, प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यूज स्टोर करो। सो प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, 5 प्लस 1 6, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले है और ऑब्जेक्ट का नाम बाद में है, तो ये मेरे पास क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में ये क्या कर रहा है, जब मैं प्री इंक्रीमेंट यूज कर रही हूँ, प्लस प्लस रेक वन, प्लस प्लस पहले है और ऑब्जेक्ट का नाम बाद में है, तो ये रेक वन को उठाएगा, रेक वन की विड्थ वैल्यू है 5 और हाइट की वैल्यू है 7, ये क्लास की डेफिनेशन में जाएगा ये प्लस प्लस, और वो जो मैंने वहां से रेक वन पास किया था वो यहाँ रेक के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में पास हो जाएगा। और मैं क्या कह रही हूँ, नया रेक्टेंगल रिटर्न करो, रेक डॉट विड्थ, यानी कि रेक की विड्थ उठाओ जो कि 5 थी उसमें 1 प्लस करो, और रेक की हाइट उठाओ जो 7 है उसमें 1 ऐड करो और रिटर्न कर दो, तो इट विल रिटर्न 6 और 8। कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ था, कॉल कहाँ हुआ था, यहाँ से रेक थ्री में, और मैंने रेक थ्री डॉट विड्थ रेक थ्री डॉट हाइट प्रिंट कर दिया 6 और 8। यही चीज अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट मींस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम पहले और इंक्रीमेंट बाद में, हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, अगर ए की वैल्यू 10 है और मैं ए प्लस प्लस कर रही हूँ और कंसोल डॉट राइट लाइन पे ए करवा रही हूँ, तो वो क्या दिखेगा मुझे, 10, पहले प्रीवियस वैल्यू उठाएगा और इंक्रीमेंट बाद में जाके करेगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो उसमें वैल्यूज हमारे पास सेम रहेंगी 5 और 7, लेकिन जब मैं प्री इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो प्री इंक्रीमेंट मींस पहले प्लस प्लस 1 ऐड करेगा और उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले विड्थ और हाइट की प्रीवियस वैल्यू रिटर्न कर देगा और ऐड जाके बाद में कराएगा, इसीलिए हमारे पास 5 और 7 आ रहा है। ठीक है,
ठीक है, ये एक वैल्यू नहीं ले रहा, ये एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है. तो ये यहाँ पे प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है. जी शारिक, जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ये हमने अब यूनरी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं. यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करें, और बाइनरी ऑपरेटर जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स पास करें. जी क्लास यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन से दोबारा ज्वाइन करेंगे. ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर दोनों डिस्कस कर लिए. अब हम ऑपरेटर पेयर्स डिस्कस करेंगे. कंपैरिजन इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, ये लो ये प्रीवियस वाला कोड, ये है जो हम उस ओवरलोडेड ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, और ये उस ओवरलोडेड ऑपरेटर की कोड. ले जाती हूँ. ठीक है, ये साथ साथ है, ये प्लस प्लस और